जय हिंद साथियों, आज आपको मैं लियाकत नेहरू पैक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज थे जिनको वो जो वापस आके अपने अपनी ज़मीन जायदाद को बेचना चाहते थे, जैसे भी वो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे। जो महिलाओं को उठा लिया गया था, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ था, जो सामान लूट लिया गया था उसके बारे में, और जिनकी ज़बरदस्ती जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था, इन सब के बारे में बहुत सारे इश्यूज थे जिनके बारे में दोनों देशों के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के लियाकत अली खान और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, 6 दिन की बातचीत के बाद उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया जिसका नाम है लियाकत नेहरू पैक्ट। और ये 8 अप्रैल 1950 को साइन किया गया। और इन सब इश्यूज के बाद आपको बता दूं कि माइनॉरिटी कमीशन जो है वो दोनों देशों में बनाई गई, और 10 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी जो है वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ से वो पश्चिम बंगाल में आए इसी पैक्ट की वजह से। अब आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बातचीत हो रही थी तो उस दिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रहार किया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पर, वो निंदनीय है। उन्होंने कहा इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े धर्मनिरपेक्ष, इतनी बड़ी सोच वाला व्यक्ति, इतना दूरदर्शी, और आप लोगों के लिए तो सब कुछ। उन्होंने सारे नागरिक क्यों नहीं लिखा, माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू लियाकत पैक्ट की जो शुरुआती सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान की सरकार इस बात से सहमत होती है कि जितने उनके यहाँ माइनॉरिटीज रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो पहले ही वाक्य में इस बात को लिखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है हर एक के बारे में बात करी, हर नागरिक के बारे में बात करी गई। तो आप समझ सकते हैं ये है इनका झूठ नंबर 2।